सक्सेस देखने आपकी, उसने क्या किया, आपसे पूछना शुरू कर दिया, आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहा, और क्या हुआ, वो भी आपके साथ शामिल हो गया। आज को ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की छोटी सी एग्जांपल थी जो कईयों ने की, कईयों ने नहीं की। सो बी फॉर यू, आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट्स फिजिकली आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, सीईओ आपके पाकिस्तान में, प्रोजेक्ट्स आपके पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट आपके पाकिस्तान में, तो इससे ज्यादा बेहतर नेटवर्क मैंने अपने 12-15 साल के कैरियर में नहीं देखा। मेरे ख्याल में सारे दोस्तों को प्रेजेंटेशन समझ आ चुकी होगी। तुम्हारे जैसे आंखों वाले जब साहिल पर आते हैं तो नहरें शोर मचाती है, जो आज समुंदर डूब गया। मैं अपनी भरपूर तालियों में दाउद से खेल जा रहा हूँ। तो ये 4 महीने में हमारा तीसरा इवेंट है रावलपिंडी में, लेकिन रावलपिंडी से ज्यादा दूसरे इलाकों के लोग ज्यादा एक्टिव हैं। रावलपिंडी वाले अभी तक इतने एक्टिव नहीं हुए जितने हमने यहाँ इवेंट किए हैं। उसकी क्या वजह है, वो लीडर बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं शाह सलीम जो कि सवाकी से आया और वहां से लेकर बड़े मुख्तसर, ये हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। एक्चुअली ये मीटिंग इस तरह थी कि 30 आदमी हमसे मिलना चाहते थे सवाबी में, तो हमने कहा हम सवाबी नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा हम रावलपिंडी आएंगे। और रावलपिंडी में 30 आदमियों के मीटिंग जो है ना, ये तो 200 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ आ गए। अब सब लोगों की मोहब्बत है, मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी आप इज्जत अफजाई करते हैं, और मैं भी नेक नीति से जो मेरे से हो सकता है, जो मेरी टीम से हो सकता है, हम बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अर्निंग दे सकें। कुछ चीजें जो बेसिक है जो कि हमने सवात में, पिशावर में और जहां जहां पे भी जाते हैं जो कॉमन सवाल है लोगों के, उसके बारे में मैं छोटी सी बात करूंगा। वो कॉमन सवाल क्या है, सबसे पहला कि कंपनी कब भाग जाएगी। हर बंदा ये पूछता है कि कंपनी कितने दिन चले।